राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मनसवित कुंड का। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़े उससे पहले वही मीठी सी प्यारी सी पुरानी सी गुजारिश है, मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओम विताय नमः, जहां वित वहां वित कुंड। दोस्तों, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है सोवरन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों, हम सोना यानी गोल्ड दो ही सूरतों में खरीदते हैं, एक तो शौक के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए। शौक मतलब सुंदर दिखने के लिए, पहनने के लिए। इन्वेस्टमेंट मतलब कि सोने का जो रेट है वो भी शेयर मार्केट की तरह उतरता चढ़ता रहता है और लगभग चढ़ता ही रहता है, तो सोना जो है वो हमारे को अच्छी रिटर्न दे जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। दोनों ही चीज़ों में, शौक और इन्वेस्टमेंट, एक डर बना रहता है और एक खर्चा बना रहता है। डर किस लिए? चोरी होने का, गुम होने का। खर्चा किस लिए? कि जब हमें चोरी होने का या गुम होने का डर होता है तो हम इसको बैंक में लॉकर लेकर रखते हैं ताकि हमारा सोना सुरक्षित रहे। जब हम इसको लॉकर लेकर रखते हैं तो वहां उसके साइज के अनुसार, बैंक जो हमें लॉकर देते हैं उसका साइज के अनुसार इसका जो रेट होता है लॉकर का, वो 2000 से लेकर 5-7 हजार तक होता है, तो वो भी खर्चीला है। तो सरकार ने क्या किया कि भी आप गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिजिकल गोल्ड ना लेकर आप गोल्ड का जो बॉन्ड है वो लें। बॉन्ड भी एक तरह से सर्टिफिकेट होता है। और ये कौन इशू करता है सोवरन गोल्ड बॉन्ड? ये भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलती है कि साहब आप हमारे बिहाफ पर जो है वो गोल्ड के बॉन्ड निकालें, जारी करें। ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार की योजना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालता है तो गारंटीड रिटर्न है। ठीक है मेरे भाइयों, नाम है सोवरन गोल्ड बॉन्ड। इसको कौन ले सकता है? कोई भी भारत का नागरिक इसको परचेज कर सकता है, एनआरआई नहीं ले सकता। कितना ले सकते हैं? बैंकों से हम एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, अगर व्यक्तिगत है मतलब आप और हम खरीदना चाहते हैं तो एक साल में 4 किलोग्राम तक ले सकते हैं। HUF है, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो भी हम एक साल में जो है 4 किलो ले सकते हैं। कोई ट्रस्ट या एसोसिएशन है, संस्थान है, मंदिर है, वो जो है 20 किलो तक एक फाइनेंशियल ईयर में ले सकता है। मिनिमम एक यूनिट आपको लेनी होगी। एक यूनिट का मतलब है 1 ग्राम सोना। ठीक है दोस्तों, कहाँ ले सकते हो? बैंकों से ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? कैश में भी ले सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी ले सकते हो, मोबाइल बैंकिंग से भी ले सकते हो, और भी डिजिटल मोड जो हैं हो सकते हैं। और जो फिजिकल गोल्ड आप लेते हो और गोल्ड बॉन्ड आप खरीदते हो, तो गोल्ड बॉन्ड जो है वो होते फिजिकल गोल्ड के रेट जैसे ही हैं, लेकिन थोड़े सस्ते मिल जाते हैं हमारे को उससे भी। और डिजिटल मोड से लेते हैं तो पर ग्राम 50 रुपये कम उसकी जो है वैल्यू से हम खरीद लेते हैं, मतलब हमारे को 50 रुपये पर ग्राम जो है छूट होती है। ठीक है दोस्तों, इस पर ब्याज कितना होता है? तो इस पर ब्याज जो है 2.5% होता है एनुअल, सालाना। मतलब जो आपने गोल्ड खरीदा है जिस दिन, और जब आप इसको रिडम करवाओगे, वापिस लोगे, तो आप जो है जो सोने का रेट में जो डिफरेंस होगा, मतलब आपने लिया 50,000 रुपये का और उस जिस टाइम आप रिडम करवा रहे हो उस टाइम हो गया वो 70,000 रुपये का, तो 70,000 रुपये प्लस जो 2.5% सालाना ब्याज दर होती है वो मिलाकर जो है आपको उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका रेट कौन निर्धारित करता है? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और वो किस रेट पर निर्धारित करता है? तो इंडिया का जो बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन होता है, वो जब इसको इशू कर रहे होते हैं तो पास्ट 3 डेज का, पिछले 3 दिन का जो है
एवरेज जो होता है उस पर जो है 999 प्योरिटी का जो रेट होता है उस पर इसका इशू प्राइस जो है वो निर्धारित किया जाता है। और ऐसे ही जो जब आप इसको रिडीम करवा रहे होते हैं तब भी जो है 999 प्योरिटी का जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है पिछले 3 दिन का जो रेट होता है उसका एवरेज जो होता है उस पर जो है निर्धारित होता है। ठीक है दोस्तों, 8 साल तक इसकी मैच्योरिटी होती है, मतलब 8 साल बाद जो है आप इसको रिडम करवा सकते हो। प्री मैच्योर रिडेम्पशन का भी ऑप्शन है, वो होता है 5 साल के बाद। इसको आप किसी लोन की कोलेटरल सिक्योरिटी में भी रख सकते हो, मतलब इसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हो। इस पर जो ब्याज मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है सरकार की सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। निर्धारित रेट ऑफ रिटर्न है, गारंटीड रिटर्न है, और फिजिकल फोरम में ना होके बॉन्ड के रूप में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। 6 महीने में इसका ब्याज जो है वो हमें मिलता है, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। ठीक है दोस्तों, इसमें चोरी होने का भय नहीं होता। इसके अगेंस्ट हम लोन भी ले सकते हैं और कोई खर्चा नहीं होता कि हमें लॉकर लेकर जो है वो बैंक में रखना पड़े। डिजिटल मोड में लेते हैं तो भी थोड़ा सस्ता मिल जाता है, मतलब 550 रुपये पर ग्राम। और फिजिकल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड लेने में ये फायदा भी होता है कि गोल्ड बॉन्ड जो है वो फिजिकल लोन से जो है सस्ता पड़ जाता है, होता है फिजिकल गोल्ड जैसा ही। ठीक है दोस्तों, तो ये है सरकार की सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मेरे भाइयों, मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और एक बात और भी है, गोल्ड जो है वो आज की डेट में बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। और गोल्ड अगर हमने जैसे भी लिया है तो उसके 3-4 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सोवरन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो